हेलो ऑल माय नेम इज कृष्ण आय कै वेलकम टू कृष्ण आय हिंदी यूट्यूब चैनल सो गाइस हम लोग अपना स्टार्ट सीरीज कंटिन्यू करेंगे हम लोग ने प्रीवियस वीडियो में देख लिया था कि अनोवा टेस्ट कैसा किया जाता है और मैंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात किया था जब हम लोग अनोवा टेस्ट करते हैं जो हमारा डेटा सेट होता है वो बेसिकली एफ डिस्ट्रीब्यूशन टाइप का डेटा सेट होता है राइट right? अब ये डिस्ट्रीब्यूशन क्या है देखिए हम लोग ने अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन पड़ा हुआ है राइट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन एफ डिस्ट्रीब्यूशन अब यूजली क्या होता है कि अगर अब ये वीडियो में मेरा मेन ये कहना है कि आप कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ेंगे आपको एक फंडा बता देता हूं कि कैसे उस डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में समझना है ठीक है अब ये वीडियो में मैं एफ डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करूंगा उसके बाद आप कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन इसी तरीके से एक्सप्लोर कर सकते हैं ऑब्वियसली मैं इसके भी सारे वीडियोज बनाऊंगा डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में भी वीडियो बनाऊंगा बट एट द एंड ऑफ द डे आपको भी ये समझना है कि कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा आप कैसे एफिशियंटली पढ़ सकते हैं और ये सारे डिस्ट्रीब्यूशन इंटरव्यूज में बेसिकली आ सकता है क्वेश्चन के फॉर्म में तो यहां पे हम लोग एफ डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं वॉट इज एफ डिस्ट्रीब्यूशन इन प्रॉबिलिटी द एफ डिस्ट्रीब्यूशन और एफ रेशियो इज ऑल्सो नोन एज सेंडेकोर एफ डिस्ट्रीब्यूशन राइट और द फिशर स्नेडेकोर डिस्ट्रीब्यूशन आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट आफ्टर रॉनल्ड फिशर एंड जॉर्ज डब्ल्यू सिनेडोकॉर सो ये दो साइंटिस्ट थे जो ये डिस्ट्रीब्यूशन स्पेसिफिकली लाए अब ये डिस्ट्रीब्यूशन है क्या राइट इट इज अंटीन्यूस प्रोबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अब जब भी, भी हम लोग बात करें कंटिन्यूअस प्रॉबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो आपका रैंडम वेरिएबल एक्स होगा यह कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल होगा ठीक है कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल हो गया कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल हो गया और अगर आपको पता होगा हमारे प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने अनोवा टेस्ट के बारे में भी बात किया था ठीक है वहां पर मैंने डिस्ट्रीब्यूशन की ज्यादा डीप डाइव नहीं किया बट अनोवा इज ऑल अबाउट कंपेयरिंग द वेरियंस राइट वेरियंस बिटवीन टू और मोर ग्रुप्स तो वहां पे भी हम लोग स्पेसिफिकली कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल को ही यूज करके दो ग्रुप्स के बीच में उनका वेरियंस कैलकुलेट करेंगे एंड दैट अराइजेज एज द नल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स मोस्टली नोटेबल इन द एनालिसिस ऑफ एंड एफ 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 टेस्ट 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 तो डिस्ट्रीब्यूशन का यूज होता है uh, और F -test. F -test भी के बारे में बात करूंगा राइट right? और वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा एज वी गो हेड तो अब इस पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन में और ये डिस्ट्रीब्यूशन कैसे दिखता है इस तरीके से दिखता है जो आपका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है कुछ राइट right स्क्यूड है राइट right? और यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो आपको समझना है पैरामीटर्स यहां पे जो पैरामीटर्स है आपके वो दो डिग्री ऑफ फ्रीडम है d1 वन एंड डी राइट और अगर आपको अनोवा के बारे में पता है आप प्रीवियसली वीडियो देखे हैं तो हम लोग ने देखा था दो डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसा आता है डिग्री ऑफ फ्रीडम बिटवीन एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम विद इन राइट तो वो स्पेसिफिकली कैटेगरिकल वेरिएबल्स के रिलेटेड रहता है और कैटेगरिकल वेरिएबल्स मतलब जितने भी आपके फीचर्स हैं इट right? उसके रिलेटेड होता है और नंबर ऑफ सैंपल्स के रिलेटेड होता है तो सिमिलरली एफ डिस्ट्रीब्यूशन में भी दो डिग्री ऑफ फ्रीडम यूज होगा और यहां पे जो भी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन बन रहा है इट विल बी बेस्ड ऑन टू डिग्री ऑफ फ्रीडम ठीक है टू डिग्री ऑफ फ्रीडम और वो सेम चीज जो मैं ये लिख रहा हूं ये यहीं से लिख रहा हूं देखिए ये था पूरा का पूरा डेफिनेशन ये था डायग्राम है ना राइट साइड वाला और यहां देखिए पैरामीटर्स लिखा हुआ है डिग्री ऑफ फ्रीडम डी एंड डी राइट एंड इट शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन तो यहाँ पे मैं कंडीशन लिख देता हूं इट शुड ऑलवेज बी ग्रेटर स्पेसिफिकली सपोर्ट क्या है सपोर्ट यहां पे जो एक्स का रैंडम वेरिएबल रहेगा वो सपोर्ट होगा एंड इट बिलोंग्स बिटवीन जीरो टू प्लस इंफिनिटी मतलब जीरो से ज्यादा ही होना चाहिए एक्स का रैंडम वेरिएबल का वैल्यू ठीक है जो भी मेरा एक्स रैंडम वेरिएबल है उसके हिसाब से आप जब ये दो फीचर्स लेके उसके बाद आप ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं पीडीएफ का दैट इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का राइट right? जब ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तब बेस्ड ऑन दिस स्पेसिफिक फॉर्मूला ये हमारा पीडीएफ फंक्शन बनता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन बनाता है सो इन शॉर्ट यही फंक्शन बेसिकली बना रहा है इस पर्टिकुलर डायग्राम को राइट right? यहां पे ये फॉर्मूला है रूट ऑफ डी वन एक्स टू दावर ऑफ डी वन डी टू टू दावर ऑफ डी टू सो ये वाला फॉर्मूला है और जो नीचे का डिनोमिनेटर देख रहे हैं ये जो नीचे का डिनोमिनेटर है इट इज बेसिकली कॉल्ड एस अशन इसको हम लोग बोलते हैं बीटा फंक्शन और यही बीटा फंक्शन को हम एक्सपैंड करते हैं इस स्पेसिफिक इक्वेशन के फॉर्म में ठीक है so, सो इन शॉर्ट ये फॉर्मूला बेसिकली अप्लाई हो रहा है अपना पी डी एफ फंक्शन बनाने के लिए आपको रटना नहीं है भाई फॉर्मूला रटना ही नहीं है आपको मेन चीज जो समझना है कि भाई कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम से और टू है है ठीक दो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वही डी वन और पीडीएफ फंक्शन में अप्लाई होता है उसके बाद उसमें एक बीटा फंक्शन भी होता है राइट और वो बीटा फंक्शन से आपको बेसिकली ऐसे टाइप का राइट स्क्यूड कर्व मिलता है रैट? राइट राइट स्क्यूड कर्व और डी वन और डी टू जैसे वेराई होगा आपका राइट स्क्यूड डिफरेंशिएट करेगा एक दूसरे से राइट तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज अब अगर आपके पास पीडीएफ फंक्शन है तो ऑब्वियसली पीडीएफ से आप डेंसिटी फंक्शन भी कैलकुलेट कर सकते हैं और यहां पे आप देखिए बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ फ्रीडम अगेन इसका वैल्यू बिटवीन जीरो हम लोग सबमिशन कर रहे हैं विध रिस्पेक्ट टू क्यूमुलेटिव अब ये हो गया बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप लोगों को पता होना है राइट एफ डिस्ट्रीब्यूशन कहां यूज करते हैं राइट स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली हम लोग एफ डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं उसको और ये कहाँ का यूज होता है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस बेसिकली अनोवा यूज होता है एफ टेस्ट यूज होता है एफ टेस्ट के बारे में बात करूंगा मैं एक डेडिकेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा इस वीडियो के बाद ठीक है एफ टेस्ट है हम लोग कैसे बेसिकली वेरिएंस को कंपेयर करेंगे बिटवीन टू सैम्पल्स ठीक है बट अनोवा टेस्ट मैंने ऑलरेडी कर लिया है इस स्पेसिफिक प्ले में आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं अब ये तो ये हो गया ठीक है अब इसके बाद हम लोग को थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट भी नोट करना पड़ता है ठीक है इसके फॉर्मूला के बारे में जो इसका आ, आ, जैसे अनोवा में टेस्ट स्टैटिस्टिक्स एनालिसिस यूज होता है तो कैसे टाइप का फॉर्मूला हम लोग स्पेसिफिकली यूज करेंगे तो यहां पे मैं लिख देता हूं द एफ डिस्ट्रीब्यूशन द एफ डिस्ट्रीब्यूशन विथ डी वन एंड डी टू डिग्री ऑफ फ्रीडम डिग्री ऑफ फ्रीडम इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ठीक है यहाँ पे हम लोग एक सिंबल यूज करते हैं इसको इसको हम लोग एस बोलते हैं एस वन डिवाइडेड बाई डी वन डिवाइडेड बाई एस टू डिवाइड बाई डी टू ठीक है अब एस वन डी वन क्या है वो सब सारा चीज हम लोग लिखेंगे एस वन इज नथिंग बट इट इज कॉल्ड एस इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल ठीक है

डिग्री ऑफ फ्रीडम है मतलब एक ही होता है के बेस्ड ऑन कैटेगरी के होगा आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम पीडीएफ का फंक्शन ये स्पेसिफिकली होगा तो आप इस तरीके से कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन को समझ सकते हैं मेरा ये कहना मतलब है राइट और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है आपका पीडीएफ फंक्शन बेस्ड ऑन दिस फंक्शन आपका डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली कैसा दिखता है वो पता चल जाएगा ठीक है तो यहां पे जब भी, भी आप कोई एफ टेस्ट अप्लाई करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन में तो आपका फॉर्मूला कुछ इस तरीके का बनता है और यहां पे होता है एस वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एस टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स और उसके अलावा जो आपका S1, जो आपका ये D1 है इसको हम लोग बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ सैंपल वन डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ सैंपल वन और डी टू जो होता है वो एस टू का डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा राइट राइट इतना ही आपको काफी पता होना चाहिए फॉर ए इंटरव्यू पॉइंट ऑफ पर्पस हाँ जहां पे आपको फॉर्मूला याद है आप उसको रटिफाई कर सकते हैं ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला मत रटिफाई करिएगा ठीक है बट आप एटलीस्ट इतना पॉइंट बता दीजिएगा भाई ये राइट स्क्यूड है ये ऐसा है ये ऐसा है इसमें जो आपका फॉर्मूला बेसिकली अप्लाई होता है ये सिंपल सा फॉर्मूला होता है और उसके रिलेटेड आपके पास दो इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल होते हैं एस एंड एस दोनों का स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करते हैं और इसका मेन जो एप्लीकेशन है एप्लीकेशन है वो कहां का यूज होगा इट विल बी डन इन द अनोवा टेस्ट और उसके अलावा इट विल ऑल्सो बी डन इन एफ टेस्ट अब एफ टेस्ट क्या है एफ टेस्ट इज नथिंग बट वेरियंस रेशियो टेस्ट अब यही चीज मैं आपको अगले वीडियो में एक वेरियंस रेशियो टेस्ट का प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्व करके बताऊंगा और उसके रिलेटेड अनोवा टेस्ट तो हम लोग ने ऑलरेडी कर लिया है प्रीवियस वीडियो में ठीक है ये तो ऑलरेडी हो गया है राइट अनोवा टेस्ट में हम लोग एफ टेस्ट कैसे अप्लाई करते हैं और इन सब के लिए हम लोग यूज करेंगे एक, एक एफ टेबल और ये एफ टेबल में बेसिकली क्या होता है राइट स्क्यूड जो हमारा राइट स्क्यूड डेटा है ठीक है आपको पता है राइट स्क्यूड है राइट यहां पे हम लोगों को बेस्ड ऑन दिस आल्फा वैल्यू अब अबलेट से कि मेरा एफ टेबल में आल्फा वैल्यू पॉइंट जीरो फाइव नाइन्टी फाइव कॉन्फिडेंस नाइनटी फाइव परसेंटेज कॉन्फिडेंस इंटरवल के साथ कैलकुलेट करना है और डिग्री ऑफ फ्रीडम डी वन और डी टू है तो हम लोग स्पेसिफिकली यहां का क्रिटिकल वैल्यू कैलकुलेट करेंगे राइट एंड इफ इट इज ग्रेटर देन दिस क्रिटिकल वैल्यू बेस्ड ऑन द स्टैटिस्टिकल एनालिसिस वी रिजेक्ट एट जीरो राइट अदरवाइज अगर इधर आया वी एक्सेप्ट एट जीरो नहीं तो मैं ऐसे भी बोल सकता हूं वी फेल टू रिजेक्ट एच जीरो राइट तो ये सारा चीज़ हम लोग ने अनोवा में ऑलरेडी किया था आपको इसका और क्लियर आइडिया मिल जाएगा जब हम लोग वेरियंस रेशियो टेस्ट करेंगे तो ये था पूरे स्पेसिफिक वीडियो में आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो इन शॉर्ट मेरा ये आइडिया था आपको हर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कैसे आप पढ़ सकते हैं प्लीज़ विकिपीडिया पे डिपेंडेंट रहिएगा तो मैं आप फिर से लिख देता हूँ विकिपीडिया में अगर आप मेरा प्लेलिस्ट देख रहे हैं तो मैं इस टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन सारे एक्सप्लेन करता ही हूं कौन से कौन से पैरामीटर्स चाहिए कौन से सपोर्ट चाहिए क्या होगा पीडीएफ फंक्शन उसके बाद क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कैसा दिखता है राइट उसका फॉर्मुला क्या है और क्या क्या पैरामीटर्स यूज होता है और कहां पे एप्लीकेशन वाइज यूज होता है अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं एफ टेस्ट के बारे में सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा और दिस वॉज इट फॉर माई साइड आई विल सी ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो थैंक यू टेक केयर